कटिंग को बड़े पीसेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ये मुकम्मल गाय है जिसको और ये काट रहे हैं, कैसे काटते हैं इसको? 1, 2, 3 नहीं ना, अंदर से जो बल्लेजात होते हैं वो निकाले जा रहे हैं, अंतरी अंतड़ियाँ जिसको अंतड़ियाँ जिसको कहते हैं, यस अंतड़ियाँ। आपको एक चीज़ नोट करवाऊँ, अगर आप फील करें तो ये गोश्त आपको स्टिल हिलता हुआ दिखाई देगा, यानी कुर्बानी होने के बाद भी। 1, 2, 3 के चार पीसेस होंगे। अब बारी है अगली गाय की, किस कदर तेज़ी के साथ ये काम करते हैं आप इनको देख सकते हैं, किस कदर तेज़ धार आलात इनके पास होते हैं। 1, 2, 3 यानी 3 से 5 ज़रबों में जानवर की टांगें अलग अलग कर देते हैं। लगा रह जाता वो उतार लेते हैं, और ये कारी साहब को आप देख सकते हैं ये सीढ़ी उठा कर जहाँ तमाम तक सीढ़ियाँ इकट्ठी हैं वहाँ इसको रखा जाएगा। ये फेंका, एक और मज़े का सीन दिखाता हूँ आपको कि यहाँ से ये कैसे जाता है। ये चीज़ उठाई और ये गई, वो गई स्लिपरी गाती एंड वो गई बाहर, वहाँ से जनाब उन्होंने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ये एक बेचारों मददगार रह गई ये बेचारी, डेडिकेटेडली ये देखिए बंदा सफाई कर रहा है, ठीक है, सफाई का काम जो है वो ये बंदा सर अंजाम दे रहा है, इसका काम मुसलसल यहाँ सफाई करना ही है, ठीक है। एक ये है, इसके साथ एक और अभी शख्स होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसका डेडिकेटेडली काम जनाब यहाँ सफाई करना है, क्योंकि साथ साथ सफाई होती जाएगी तो मज़ीद अगले आने वाले जानवर के लिए जगह बनती जाएगी। ये खाली खाली यहाँ इकट्ठी हो रही हैं, यहाँ से इनकी जो है सर से इनके खाल उतारी जाती है, ठीक है जनाब। और मुझे लग रहा है कि ये पार्टी इस वक्त जल्दी काम कर रही है बनिस्बत इस पार्टी, दो पार्टीज काम कर रही हैं, एक ये पार्टी काम कर रही है दूसरा ये पार्टी काम कर रही है। इनके कितने जानवर अभी रह गए हैं, दोनों को कंपैरिजन करूं तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी इनके अभी 16 जानवर बाकी हैं। और इस पार्टी के कितने जानवर बाकी हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यानी इनके 23 हैं वो विन कर रहे हैं, यानी वो जल्दी फ्री हो जाएंगे इस काम से। आपको एक मज़े की चीज़ जो मुझे और दिखाई दी है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक और मज़े की चीज़। आप इन जानवरों के पांव देखिए, इस गाय के पांव देखिए, और अब इस गाय के भी पांव देखिए, ये देख रहे हैं
ये क्या किया हुआ है, ये ज़्यादा भारी भरकम जानवर था मेरा ख्याल है। उसके पाँव के नीचे जनाब लोहे की खुरियाँ जैसे दूसरे जानवरों को लगाए जाते हैं, कुर्बानी के जानवरों को भी जनाब उन्होंने ये लगा दी। इसके पीछे रीज़न क्या है, अब एक जुबान बार आई गई से रही, कोई गाल नहीं। अल्लाह ताला तमाम मालूम इस्लाम की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अब हम इससे इंतज़ार में हैं कि